गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज आशिक हुसैन राठौर। आज मैं रियल नंबर्स क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी रियल नंबर्स पे बेसिक्स, ये रियल नंबर क्या होता है एक्चुअली में, इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। जिन दोस्तों ने मेरा वो वीडियो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, वो मेरी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पे जाके वो सीख सकते हैं। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखो, फिर आप लेक्चर नंबर 2 देखो, जिन दोस्तों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है। ओके, सो आज हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं 1.1 रियल नंबर्स की। और वो करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको सीखने पड़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि मैंने इसको इतना इजी बनाया है कि कोई 7th 8th 9th मतलब ये क्लास का स्टूडेंट भी इन लेक्चर्स को आराम से सीख सकता है। ओके, सो पहली डेफिनेशन जो आपको सीखनी पड़ेगी वो आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। पहली डेफिनेशन है एल्गोरिथम, ALGORITHM। एल्गोरिथम क्या होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं क्या है मैथमेटिक्स में, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। ओके, सो एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम मैथमेटिक्स में एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है, वेल डिफाइंड स्टेप्स होती है, मतलब जो स्टेप पहले आएगा वो पहले ही आएगा, वो बाद में आप नहीं ले जा सकते। तो वो एक प्रोसीजर देता है, वो स्टेप्स हमको एक प्रोसीजर देते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप मैं आपको ये अच्छे से सिखाने वाला हूं कि ये एल्गोरिथम एक्चुअली में होता क्या है। ओके, सपोज आपको घर वालों ने बोला है कि वो चाय पीना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं, टी पीना चाहते हैं। ओके, टी। अब आपको क्या है, आपको कुछ स्टेप्स, टी तो खुद नहीं बनेगी, आपको चाय बनानी है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे फॉलो। वो स्टेप्स क्या है, आप पहले क्या करोगे, पहले आप कोई पॉट लाओगे, कोई भी बर्तन लाओगे, राइट, जिसमें चाय बनाओगे, तो पहले आप लाओगे बर्तन। ओके, उस बर्तन में क्या करोगे, दूसरा काम आप क्या करोगे माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा काम आप करोगे, आप उसमें डालोगे वाटर, आप उसमें डालोगे वाटर। ओके, आप उसमें डालोगे वाटर। ओके, हुआ दो चीज, पहले आप बर्तन लाओगे, फिर वाटर, फिर उसको क्या करोगे, उसको रखोगे स्टोव पे। किसको, किस पे रखोगे, स्टोव पे या गैस पे, किसी पे भी आप रख सकते हो हीट करने के लिए, स्टोव पे रखोगे। जब वो उबल जाएगा तो उसमें आप डालोगे दूध, क्या डालोगे, दूध, मिल्क डालोगे। ओके, मिल्क डालोगे, मिल्क, MILK, मिल्क डालोगे। जब वो भी हो गया, मिल्क भी डाला आपने, फिर आप उसमें डालोगे टी, चाय, राइट, टी भी उसमें डालोगे, टी के पत्ते, वो लैप्टन चाय हो या नमक वाली चाय हो, कोई भी हो सकती है, राइट। तो फिर उसको उबाल के जब ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो फिर आपके पास बनेगी चाय, तभी आप चाय बना पाओगे अच्छे से। अब बताता हूं मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एल्गोरिथम का मतलब। आपके पास प्रॉब्लम थी, आपको बनानी थी चाय, मगर चाय खुद नहीं बनती, आपको कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। कौन कौन से, पहले आपको बर्तन लाना पड़ेगा, उसमें वाटर डालना पड़ेगा, फिर स्टोव पे रखना पड़ेगा, फिर मिल्क डालना पड़ेगा, फिर चाय के पत्ते डालना पड़ेगा, या आप उसमें शुगर भी डाल सकते हो, राइट, शुगर, शुगर मैं भूल गया था, इसमें शुगर भी आएगा, ला शुगर, तो शुगर भी आपको डालना पड़ेगा, शुगर, या कौन सी चाय, या साल्ट भी आप डाल सकते हो, जो भी चाय आपको बनानी हो तो वो आप डाल सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे तभी चाय बनेगी, इसी को हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम क्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे चाय बनाने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो इसी को हम मैथमेटिक्स में एल्गोरिथम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपको समझ आया एल्गोरिथम क्या है। ओके ओके दोस्तों, अब आपको एल्गोरिथम अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसके बारे में, जो वर्ड है द वर्ड एल्गोरिथम, ओके दोस्तों, अब आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको एक नोट देना चाहता हूँ, एक नोट मैं आपको देना चाहता हूं, जो ये वर्ड है द वर्ड एल्गोरिथम, द
जो ये एल्गोरिदम का वर्ड है, ये एक पर्शियन मैथमेटिशियन ने दिया था। किसने दिया था? एक पर्शियन, वो पर्शिया का था, पर्शियन मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन, एक पर्शियन मैथमेटिशियन जिसका नाम था अल खरिज्मी, जिसका नाम था अल खरिज्मी, उसी ने ये पर्शियन वर्ड दिया था, उसी ने। ओके दोस्तों, तो आप, आपको समझ आया होगा, एल्गोरिदम वो स्टेप्स है जिससे हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे सिखाया, ये जो वर्ड एल्गोरिदम है, ये एक पर्शियन के मैथमेटिशियन, एक फारसी के मैथमेटिशियन जिसका नाम अल खरिज्मी ने दिया था। अब आपको ये समझ आया है, आया होगा डियर फ्रेंड्स। अब दूसरी डेफिनेशन जो हम सीखने वाले हैं वो आपने ऑलरेडी सीखी होगी, मुझे उम्मीद है। अगर किसी को समझ नहीं आई होगी वो, तो मैं आप सिखाता हूँ। उसको हम बोलते हैं लेमा। क्या होता है? LEMMA, लेमा। ये नाम तो आपने पहले ही सुना होगा। ये लेमा क्या होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन दूंगा, फिर आपको सिखाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। LEMMA is a proven statement. लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used to prove another statement। अगर किसी को समझना है कि लेमा क्या होता है, अब उसको खुद ही समझ आएगा, क्योंकि मैं अब अच्छे से सिखाने वाला हूँ इस लेमा का मतलब क्या होता है। देखो, लेमा का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स, लेमा का मतलब होता है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसी चीज जो ऑलरेडी प्रूव की गई हो, और उसी को इस्तेमाल करके हम कोई अनदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया डियर फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है, सपोज आपको बचपन से ही पता है, क्या पता है, 2 + 2 = 4, ये आपको बचपन से ही पता है, पता है कि नहीं पता है? हाँ, ये पता है, तो ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। कोई बोल सकता है आप में है से ही, बोलेगा सर अगर 2 + 2 = 4 देन 4 - 2 = 2, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव किया गया है बचपन में, क्योंकि 2 और 2 = 4 होते हैं। कोई बोलेगा सर 2 में से 2 उतारेंगे तो 2 बचेंगे, देखो ये प्रूव है, ये हम इस पे बता सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है 2 और 2 = 4 होते हैं, अगर हम 4 में से 2 उतारे तो 2 बनते हैं। तो इसी को हम लेमा बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, इसी को हम लेमा बोलते हैं। इसका मतलब, लेमा का मतलब होता है कि वो चीज जो ऑलरेडी प्रूव है उसी को हम इस्तेमाल करके और एक चीज बता सकते हैं। और एक लेमा का एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट की तरफ जो आफ्ताब होता है, जो सन होता है वो उगता है। कोई बोलेगा सर इसका मतलब है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट की तरफ वो डूब जाता है। जब ईस्ट की तरफ उगेगा इसका मतलब है वेस्ट की तरफ डूबेगा, यानी कि जो ईस्ट की तरफ सन उगता है, जो ईस्ट की तरफ सन उगता है, ये प्रूव है, ये ऑलरेडी हमको पता है, मगर इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि वेस्ट की तरफ वो डूबेगा, मतलब वेस्ट की तरफ डूबना ये प्रूव हुआ किससे, कि ईस्ट की तरफ वो उगता है, इसी को हम लेमा बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आपको लेमा भी अच्छे से समझ आया होगा, ये वाली डेफिनेशन भी, मुझे उम्मीद है आपको लेमा भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। ये कुछ डेफिनेशन हमने पढ़े, अब हम कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट्स। जो पहला कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं उसको हम बोलते हैं यूक्लिडस डिवीजन लेमा। ये आपने सीखा होगा, या डिवीजन एल्गोरिदम भी इसको बोलते हैं, यूक्लिडस डिवीजन लेमा, EDL इसको हम बोलते हैं। ये क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को फ्रेंड्स, ये सबको आएगा, जिस जिसको डिवाइड आता है उसको ये आराम से आएगा करना, ये यूक्लिडस डिवीजन लेमा क्या होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये एक मेथड है जिससे हम, ये एक मेथड है जो ये EDL है,
जो ये EDL है, ये एक मेथड है जिससे हम HCF of two numbers निकालते हैं, highest common factor. आप बोलोगे सर HCF निकालने का और एक तरीका है prime factorization method और वो बहुत easy है, तो फिर हम क्यों पढ़ेंगे एक Liddle Dugan lemma? इसका आंसर ये है my dear students, इसका आंसर ये है क्योंकि वो जो factorization method है prime factorization method, उससे आप छोटे numbers का LCM निकाल सकते हैं, छोटे numbers का सॉरी एलसीएम नहीं एचसीएफ निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको फैक्टर करने पड़ेंगे बहुत सारे, मगर बड़े नंबरों का आप नहीं निकाल सकते एचसीएफ. आप निकाल सकते हो मगर आपको लेंथी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए ये मेथड दिया गया है जिसका नाम है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा. ये बहुत आसान मेथड है, ये बहुत आसान मेथड है जिससे आप किसी का भी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये मेथड सिखाऊंगा जिससे आपको आराम से ये मेथड आ जाएगा. सपोज आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन है फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ सपोज 10 एंड 20, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20 बाय EDL by Euclid's Diffusion Lemma. ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको सिखाना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, वो मैं आपको सिखाना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स Euclid's Diffusion Lemma क्या होता है. पहला सेटअप जो आपको करना है यहां पे, पहला सेटअप आपको क्या करना है, आपको इन दो नंबर्स को लिखना है, मगर पहले वो नंबर लिखना है आपको जो बड़ा है. आप मुझे बोलो पहले 10 बड़ा है कि 20 बड़ा है, आप बोलोगे सर 20 बड़ा है, इसीलिए आपको 20 लिखना पड़ेगा पहले. किससे बड़ा है, इज ग्रेटर देन, ये किससे बड़ा है माय डियर फ्रेंड्स, ये 10 से बड़ा है. ये है पहला स्टेप EDL का, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कौन बड़ा है, 10 बड़ा है कि 20 बड़ा है, तो 20 बड़ा है इसीलिए 20 को पहले लिखना है, फिर बाद में 10 को लिखना है. अब दूसरा स्टेप क्या है, आपको लिखना है एक स्टेटमेंट, अप्लाई EDL यानी कि Euclid's Diffusion Lemma 2, किसको EDL करना है, इन्हीं दो को 20 एंड 10, इसमें हमको लगाना है Euclid's Diffusion Lemma, Euclid's Diffusion Lemma. अब कैसे करना है आपको ये क्वेश्चन, अब मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स. अब आप देखना कैसे करना है ये चीजें आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहां पे एक नीचे पहले आपको लिखना है 20 किसके बराबर है, और इसी के अगल में एग्जाम में भी आपको एक लाइन ड्रा करनी है डियर फ्रेंड्स, एक लाइन को ड्रा करना है ऐसे, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा वह क्या लिखना पड़ेगा, रफ लिखना पड़ेगा आपको यहां पे. ओके, अब आपको नीचे कैसे करना है मैं बताता हूं, आपको पहले करना है काम. ओके, सो आपने किसका EDL करना है, 20 और 10 का, तो आपको 10 से डिवाइड करना है, छोटे से डिवाइड करना है किसका, 20 का, छोटे से डिवाइड करना है 20 का. अब 10 वन जार पढ़ो, 10 वन जार 10, 10 टू जा 20, सो 10 टू जा 20, 10 टू जा 20, 20 में से 20 गए तो 0. ये आपको एग्जाम में इधर ही करना है डियर फ्रेंड्स. अब आप ही बोलो मुझे कि ये 20 किसके बराबर आया, हमको मालूम है, अब आपने सीखा होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर जर्बी क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिविडेंड हम इसको बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं डियर फ्रेंड्स. अब आपने सीखा भी होगा बचपन में डिविडेंड जो होता है वो होता है डिवीजर जर्ब कोशेंट प्लस रिमाइंडर, सीखा है कि नहीं सीखा है, बिल्कुल सीखा है. तो 20 क्या है, डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिविडेंड डिवाइजर क्या है, इतना 10 है डिवाइजर इनटू कोशेंट कितना आया, 2 आया सर, तो 2 लिखना है प्लस क्या करोगे डियर फ्रेंड्स,
प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया जीरो, रिमाइंडर आया जीरो। तो ये हुआ ईडीएल। अब आप सब मुझे बोलो यहाँ पे दिया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, नीचे लिखना है रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आया रिमाइंडर, आप देख सकते हो रिमाइंडर आया जीरो, तो लिखना है रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आया तो क्वेश्चन यही पे खत्म है, तो आपको लास्ट में लिखना है देयरफॉर HCF of 10 and 20 is हाँ, तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, अगर रिमाइंडर जीरो आया तो आपको लिखना पड़ेगा therefore HCF of 10 and 20 is, 10 and 20 का HCF क्या है डियर फ्रेंड्स, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा, वो क्या है कि जब आपने 20 को डिवाइड किया, किससे किया 10 से आपने डिवाइड किया राइट, आपने 10 से डिवाइड किया और जीरो आया रिमाइंडर, इसका मतलब 10 है इसका आंसर, जिससे आपने डिवाइड किया यानी कि वही डिवाइजर आंसर होता है जिससे रिमाइंडर जीरो आएगा, तो इसका आंसर फिर होगा कितना होगा डियर फ्रेंड्स 10 इसका आंसर होगा, मगर ये तब ही होगा जब रिमाइंडर जीरो आएगा। सपोज कभी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, उस वक्त हम क्या करते हैं, ऐसी एग्जांपल भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये है इसका, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, बहुत आसान है ना फ्रेंड्स, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं अब आपको और अच्छे से समझाऊंगा नीचे, अब आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा नीचे कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। ओके अब हम जाएंगे थोड़ा नीचे, अब हम जाएंगे थोड़ा नीचे, ओके अब हम जाएंगे थोड़ा नीचे, तो अब आपको मैं अच्छे से सिखाऊंगा। ये मैं मिटाता हूँ डियर फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ से मिटाता हूँ। ओके ये आपको समझ आया। अब आपको और एक क्वेश्चन दिया होगा, सपोज आपको ऐसे क्वेश्चन होगा फाइंड HCF ऑफ सपोज 10 एंड 25, फाइंड HCF ऑफ 10 एंड 25 बाय EDL, EDL से आपको HCF निकालना है 10 एंड 25 का, किससे निकालना है 10 एंड 25 का, वो आप कैसे करोगे वही मैं आपको इस लेक्चर में सिखाने जा रहा हूँ। ओके हाँ अब कैसे करना है, जैसे मैंने भी सिखाया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जिसको पहला समझ नहीं आएगा अब उसको अच्छे से ये वाला समझ आएगा, अभी जिसको पहला वाला समझ नहीं आया था। ओके तो पहले क्या बोला मैंने, पहले बड़ा लिखना है, बड़ा नंबर कौन है 25 पहले लिखना है, सर किससे बड़ा है 10 से बड़ा है, ये पहला स्टेप है जो उसने आपने किया था राइट, किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल किया था। फिर दूसरे में क्या लिखना है, एक स्टेटमेंट लिखना है अप्लाई इक्विटी डिविडेंड लेमा, आप कैपिटल भी लिख सकते हो ईडीएल टू, किसमें लगाना है 25 एंड 10 जो भी दो नंबर्स होंगे राइट। ओके अब नीचे लिखना है आपको 25 इज इक्वल टू, फिर क्या बोला मैंने, आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर रफ लिखना पड़ेगा ऊपर, फिर रफ लिखना पड़ेगा ऊपर, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे करोगे 10 से करोगे 25 को डिवाइड राइट, जो मैंने भी बोला 10 से करोगे 25 को राइट हाँ। ओके अब पढ़ो 10 वन जार 10, 10 टू जार 20, 10 थ्री जार 30, वो ज्यादा हुआ तो हम करेंगे 10 टू जार 20। अब बोलो 25 में से 20 जाएंगे तो 5 बचेंगे डियर फ्रेंड्स, 5 बचेंगे, फिर आप फिर से लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर जर बी क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब 10 इंटू 2 प्लस 5 राइट, राइट और नॉट टेल मी। अब आप बोलो रिमाइंडर, रिमाइंडर आया बराबर जीरो इज नॉट इक्वल टू, अभी आपको लिखना है इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, मैंने क्या बोला था अगर रिमाइंडर जीरो आया तो जिससे हमने किया वही आंसर होगा, मगर यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको और करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन। अब हम नीचे जाएंगे, अब हम नीचे जाएंगे, फिर से लिखेंगे एक स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे अप्लाई ईडीएल टू, देखो पहले हमने 25 और 10 को लगाया था, अब हमको डिवाइजर और डिवाइजर और रिमाइंडर लिखना पड़ेगा, अप्लाई ईडीएल टू 10 एंड 5, तो क्या लिखूंगा मैं 10 एंड 5, 10 एंड
5, फिर से वही करना पड़ेगा, अब 10 एंड 5 है तो मैं लिखूंगा 10 is equal to, अब इस 5 से हमको 10 को डिवाइड करना पड़ेगा, मैं यहां करता हूं 10 लिखता हूं अंदर में और 5 लिखता हूं बाहर में, अब पढ़ो 5 1s are 5 2s are 10, 5 2s are 10, हुआ खत्म डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल हुआ खत्म, तो यहां पे रिमाइंडर आया 0, बस इतना ही करना है, अब 10 किसके बराबर, 5 into 2, तो मैं लिखूंगा 5 into 2, 5 into 2 plus 0, अब रिमाइंडर कितना है डियर फ्रेंड्स, रिमाइंडर, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर आया 0, मैंने वही बोला कि जब रिमाइंडर आएगा 0 तब आपको क्या लिखना है, जब रिमाइंडर आएगा 0 फिर ये वाला लिखना पड़ेगा आपको यहां पर भी, therefore HCF of, HCF of किस किस का निकालना था HCF dear friends, 10 and 25 तो लिखना है आपको 10 and 25 is, मैंने आपको पहले ही बताया था जिससे लास्ट में हुआ वही आंसर होता है, यहां पे 0 आया रिमाइंडर नहीं तो 10 आंसर नहीं है, यहां पे आया तो क्या आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, जिससे हमने किया तो 5 इसका आंसर है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ये HCF हम कैसे निकालते हैं यूक्लिडियन डिवीजन लेमा से, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आपकी बुक के एक्सरसाइज के तो आपको फिर वो अच्छे से समझ आ जाएगा, तो आज हम पहले क्वेश्चंस करेंगे, पहला क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है तो वो हम करेंगे जो आपके मैथ बुक पे है, ओके डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ओके, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और वो अच्छे से कांसेप्ट सीखते हैं, ओके गुड ओके डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको सिखाऊंगा रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 और आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है यूज यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा भी जिसको कहते हैं, टू फाइंड द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225, जो अभी मैंने आपको दो एग्जांपल सिखाई है आपको वैसे ही करना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है मैं आपको सिखाऊंगा, तो क्या करना है पहले आप इन दोनों को पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे लिखना है, पहले इन दोनों में जो बड़ा है वो पहले लिखना है आपको, सो 225 इज ग्रेटर देन 135 राइट फ्रेंड्स, 225 इज ग्रेटर देन 135, फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है आपको अप्लाई यूक्लिडियन डिवीजन लेमा लिखो या एल्गोरिथम लिखो आपको अपनी मर्जी है, मैंने यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा है, 2 किसको लगाना है हमको 225 एंड 135, इन दोनों का हमको EDL लगाना पड़ेगा, 225 एंड 135 का हमको यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, अब आप लिखोगे नीचे 225 इज इक्वल टू, 225 किसके बराबर है डियर फ्रेंड्स, 225 किसके बराबर है वो अब आपको मैं बताता हूं, 225 किसके बराबर है, क्या करना पड़ेगा मैंने सिखाया आप लोगों को, आपको क्या करना है, क्या करना है आपको 135, तो यहां पे रफ लिखना है आपको पहले, तो यहां पे आप रफ लिखोगे ऐसे रफ ओके, तो यहां पे आप लिखोगे 135 बाहर लिखोगे और अंदर आप लिखोगे 225 सो 135 से 135 से आप 225 को डिवाइड करोगे 135 वंस आर 135 राइट सो 135 वंस आर इज 135 2s आर होगा 270 वो ज्यादा होगा इसीलिए मैंने किया 135 वंस आर 135 तो यहां पे बचेगा ये आएगा 0 22 में से 12 में से 3 गए तो 90 एक में से एक तो 0 अब आप बोलो रिमाइंडर 0 आया नहीं आया इसका मतलब हमको आगे तक करना है तो बोलो 225 किसके बराबर है अभी आपने सीखा 225 ये डिविडेंड है डिविडेंड किसके बराबर होता है डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ये आपको समझ आया डियर फ्रेंड्स यस मगर नीचे आपको लिखना है आर इज इक्वल टू 0 आर नॉट इक्वल टू 0 सो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 आपको लिखना है इज नॉट इक्वल टू मैं आपको पहले बताना चाहता हूं इज नॉट इक्वल टू हम ऐसे लिखते हैं डियर फ्रेंड्स इज नॉट इक्वल टू हम ऐसे लिखते हैं
ऐसे, यहां पे मैं नहीं लिख सकता, यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा, is not equal to, इसका मतलब है is not equal to, आप ये लाइन इसके बीच में डाल देना, तो इसको हम बोलते हैं is not equal to zero, so remainder मत आया zero के बराबर, इसका मतलब हमको आगे करना है question, फिर से लिखना है apply EDA, Euclid's Diffusion Algorithm 2, आप किस-किस को लगाना है, 135 and 90, 135 यानी कि divisor and remainder का, 135 and 90 जो आपने अभी सीखा, जो मैंने आपको अभी सिखाया, तो आप नीचे क्या लिखोगे, 135 is equal to, अब मैं लिखूंगा, बाहर लिखूंगा मैं यहां पे, मैं लिखूंगा 90, क्या लिखूंगा, 90, लिखा ना 90, बाहर लिखा और अंदर लिखना है मुझे 135, अब पढ़ो 91 जार 90, 92 जार 180, वो ज्यादा होगा, तो आप लिखोगे 91 जार 90, ओके, अब बोलो 5 में से 0 जाएगा तो 5, 13 में से 9 जाएंगे तो 4, सो यहां पे बचेगा 45, तो आप 135 किसके बराबर आया, डिवीजर ज़र्ब कोशेंट प्लस रिमाइंडर, अब आप फिर से देखो, रिमाइंडर आया 0, नहीं आया सर, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, फिर से लिखूंगा मैं इज नॉट इक्वल टू 0, सो रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब इसको रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब फिर से हमको करना पड़ेगा, फिर से हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, हम फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अप्लाई EDA 2, अब किस-किस को लगाना है, 90 एंड 45, तो मैं लिखूंगा 90 एंड 45, तो मैं लिखूंगा नीचे 90 is equal to, अब 45 से मुझे करना है किसको, 90 को, तो मैं करूंगा 45 बाहर रखूंगा और अंदर में रखूंगा मैं 90, अब पढ़ो ये रफ आपको एग्जाम में भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस, सो 45 ones are 45, 45 twos are 90, और रिमाइंडर आया 0, मैंने बोला तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, तो यहां पे फिर से लिखना है 90 is equal to, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर ज़र्ब कोशेंट प्लस रिमाइंडर, अब रिमाइंडर कितना आया डियर फ्रेंड्स, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर कितना आया डियर फ्रेंड्स, रिमाइंडर आया 0, इसका मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, रिमाइंडर आया 0, इसका मतलब ये है कि किससे ये रिमाइंडर 0 आया, कब ये रिमाइंडर 0 आया, जब डिवाइजर 45 था, तो यही हमारा आंसर है डियर फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर है 45, वो वाला आंसर होता है, वो डिवाइजर आंसर होता है जिस वक्त रिमाइंडर 0 आता है, अगर यहां पर अगर हमको 90 पर ही 0 आता ना रिमाइंडर, तब 90 आंसर था, मगर कहां पे हमको आंसर आया 0, रिमाइंडर कब आया, 45 जब डिवाइजर था, इसलिए इसका आंसर है 45, तो आप डायरेक्ट लिखोगे नीचे आप लिखोगे देयरफॉर HCF, highest common factor of, किस-किस का निकालना था आपको, 135 and 225 is, अब इसका आंसर क्या है my dear friends, 45, अब आपको अच्छे से समझ आया होगा मुझे उम्मीद है, मैं फिर से आपको बताता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बड़ा नंबर लिखना है, फिर छोटा, फिर EDA इसको अप्लाई करना है, फिर बड़ा नंबर लिखना है बाहर, फिर यहां पे डिवाइड करना है, 135 ones are 135, तो 90 आएगा, अगर 0 आता तो यही आंसर होता, 135 और 0 नहीं आया, इसीलिए हमको बाकी स्टेप्स भी करने पड़ेंगे, तो ये है पहले पार्ट का आंसर डियर फ्रेंड्स, 135 एंड 225 का आंसर है 45, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा डियर फ्रेंड्स, ओके दोस्तों, पहला पार्ट आपको समझ आया होगा, जिसको नहीं अभी भी समझ नहीं आया वो अच्छे से इस वाले को समझेगा तो उसको आराम से आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 196 and 38220, अब इनका HCF आपको निकालना पड़ेगा, तो मैंने क्या बोला, जो बड़ा है वो 38220 बड़ा है, किससे बड़ा है डियर फ्रेंड्स, 196 से बड़ा है।
ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है आपको लिखना पड़ेगा, अप्लाई EDA Euclidean Division Algorithm 2, किसको लगाना है आपको, BA220 and 196, इन दोनों का आपको EDA लगाना पड़ेगा। ओके तो यहां तक आपको समझ आ गया है माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 38220 इज इक्वल टू, तो अब 196 से आपको डिवाइड करना है किसको फ्रेंड्स, 38220। अब मैं यहां पे करता हूं डियर फ्रेंड्स, तो आप लिखोगे 196 बाहर रखोगे और डिवाइड में रखोगे अंदर 38220। अब ये 8 है डियर फ्रेंड्स, ये 8 है यहाँ पे, सो आप लिखोगे 38220। अब ये तीन नंबर्स है 1 2 3, यहाँ पर भी हम पहले तीन नंबर्स को करेंगे, 196 1 जार 196 196 2 जार अगर हम करेंगे तो वो ज्यादा होगा डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हम करेंगे 196 1 जार, वो बनेगा 196। अब बोलो दो में से छह नहीं जा सकते, तो इधर एक गया बना 12 में से छह तो बनेगा 6, यहाँ पे बचे 7 में से 9 नहीं जा सकते, इधर एक गया बना 17 में से 9 गया तो बना 8, राइट 17 में से 9 गया तो बना 8 यहाँ पे बना 2 में से एक जाएंगे तो 1, राइट तो ऊपर से गिरेगा माय डियर फ्रेंड्स 2, क्या गिरेगा 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे 5 से कम होगा 9 से हम करेंगे, अब डियर फ्रेंड्स अब हम 9 से इसको करेंगे, यहाँ पे 9 6 is 54 तो आएगा 4, 5 आएगा कैरी, 9 9 is 81 81 and 5 is 86 में आएगा 6, 8 आएगा कैरी, 8 आएगा कैरी, 9 1 is 9 9 and 8 is 17, गुड फ्रेंड्स तो यही होगा इसको 9 से होगा, ठीक है। अब इसको करो माइनस, 2 में से 4 नहीं जाएंगे तो एक इधर गया बना 12 में से 4 तो बनेगा 8, यहाँ पे बचे 5, इधर एक आया बना 15 में से 6 गए तो बनेगा 9, 7 में से 7 गए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, तो ऊपर से क्या गिरेगा, ऊपर से गिरेगा, ओके सो हमने 2 भी गिराया था, अब 0 गिरेगा 0। अब हम क्या करेंगे, 196 5 हजार, अब हम 5 से करते हैं डियर फ्रेंड्स, 5 6 is 30 3 कैरी, 5 9 is 45 45 and 3 is 48 4 कैरी, 5 1 is 5 5 4 is 9, सो लास्ट में आया 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया 0 माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया रिमाइंडर 0, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया रिमाइंडर 0, सो रिमाइंडर आया 0, तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो डिविडेंड इज इक्वल डिविजर 196 into quotient, what is quotient, 195 plus remainder, remainder is 0, so नीचे आपको लिखना पड़ेगा remainder is equal to 0, remainder किसके बराबर आया 0, जब remainder 0 आया तो जिससे remainder 0 आया, किससे remainder 0 आया, 196 से remainder 0 आया, इसका मतलब यही इसका आंसर है dear फ्रेंड्स, सो 196 इज द आंसर, क्योंकि इसी से रिमाइंडर 0 आया, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर HCF ऑफ किस-किस का 196 एंड 38220 इज 196। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा, कोई भी समझ नहीं आया वो प्लीज इन लेक्चर्स को अच्छे से देखे, उसको आराम से समझ आएगा। मैं फिर से बताऊं, पहले आपको बड़ा नंबर लिखना है, फिर उसको डिवाइड करना है छोटे से, फिर ये लिखना है, फिर रिमाइंडर अगर 0 आया तो किससे रिमाइंडर 0 आया, 196 से रिमाइंडर 0 आया, तो वही आंसर होता है माय डियर फ्रेंड्स EDL में। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा डियर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम तीसरा पार्ट करते हैं जो है 867
N225। अब इसको हमको ऐसे अपने निकालना पड़ेगा EDA से। तो वही पहला मेथड क्या है कि जो बड़ा है वो पहले लिखना है, मगर इस क्वेश्चन में बड़ा जो है वो पहले लिखा है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 867 is greater than 225, right? ये तो उधर से ही गिवन है। फिर हम क्या लिखेंगे नीचे, apply वही जो हम अभी तक कर रहे हैं, apply EDA, EDA to किस किस को करना है, 867 and 225। अब हम क्या लिखेंगे नीचे, नीचे हम लिखेंगे 867 is equal to, अब 225 से हमको 867 को डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो आपको अब आता है अच्छे से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, हाँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 225 से मुझे डिवाइड करना है, 225 से मुझे डिवाइड करना है किसको, 867 को, डियर फ्रेंड्स 867 इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं पढ़ूंगा 225 वन जार इज 225, 225 टू जार डेट विल बिकम एज 450, 3 जार करूंगा तो वो बनेगा 7 कुछ 76 समथिंग, इफ मैं करूंगा 4 से वो बनेगा 80, वो ज्यादा होगा तो मैं करूंगा 3 से, ओके सो 3 से करूंगा मैं, 3 5 जार 15 वन कैरी, 3 2 जार 6 6 एंड 1 इज 7, 3 2 जार 6, राइट? तो 6, मुझे उम्मीद है आपको ये डिवाइड आता है माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको डिवाइड आता है, 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से 7 नहीं जाएंगे तो एक इधर आया बना 16, 16 में से 7 गए तो 16, इट बिकम 16, 16 में से 7 गए तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो बचेंगे 9, कितने बचेंगे 9, 7 में से 6 गए तो 1, So, यहाँ पे बचा 192, ये जीरो नहीं आया, इसका मतलब और आगे करना पड़ेगा हमको। तो अब हम जाएंगे वापस, अब हम जाएंगे डियर फ्रेंड्स वापस, तो किसके 867 किसके बराबर आया, 225 इनटू 3 डिविडेंड इज इक्वल डिविजर जर्बी कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओके तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा रिमाइंडर is not equal to, remember is not equal to 0, इसका मतलब फिर से करना पड़ेगा, अभी किस किस को करना पड़ेगा 225 and 192, तो हम फिर से करेंगे apply EDA, अब आपको समझ आया होगा my dear friends, EDA to 225 and 192, apply EDA to 225 and 192, तो मैं लिखूंगा नीचे 225 is equal to, अब 192 से मुझे करना है डिवाइड किसको, 225 को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आप लिख सकता हूँ H, तो मैं लिखूंगा 192 अंदर को मैं लिखूंगा 225, ओके सो 192 वो बनेगा 184, वो ज्यादा होगा 284, वो ज्यादा होगा, हम करेंगे 192 तो ये आएगा 192, समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स, गुड, 5 में से 2 गए तो बनेगा 3, 2 में से 9 जाए नहीं जाएंगे तो एक इधर गया बना 12, 12 में से 9 गए तो बनेगा 3, राइट, एक में से एक गया तो 0, तो 33, फिर से 0 नहीं आया रिमाइंडर, इसका मतलब फिर से करना पड़ेगा, तो ये किसके बराबर आया, डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, अब रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया तो आप लिखोगे रिमाइंडर is not equal to 0, remainder is not equal to 0, इसका मतलब फिर से हम करना पड़ेगा, अब 192 और 33 को करना पड़ेगा, apply EDA to किस किस को, 192 and 33, अब इनको करना पड़ेगा 192 and 33, तो मैं लिखूंगा 192 is equal to, 192 को 33 से करना पड़ेगा, तो कहां करूंगा, यहां पे करूंगा मैं my dear friends, तो मैं लिखूंगा यहां पे 192, इसको हमको करना है किससे, 33 से, 33 से मैं करूंगा इसको, 5000 करेंगे डियर फ्रेंड्स, 5000, सो 5 3 15 15 5 1 कैरी, 5 3 15 15 एंड 1 दैट विल बिकम
16n, ओके अगर आप 6 से करोगे वो ज्यादा होगा, 2 में से 5 नहीं जाएंगे तो एक इधर गए बना 12, 12 में से 5 गए तो बना 7, अब यहां पे बचे 8, 8 में से 6 गए तो 1 बचेगा डियर फ्रेंड्स, राइट 8 में से सॉरी 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे, सॉरी 2 बचेंगे, ओके तो 1 में से 1 गया तो 0, तो ये आया 27, रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया, इसका मतलब फिर से करना पड़ेगा, 192 is equal to divisor into quotient plus remainder, प्लस रिमाइंडर, तो इसका मतलब फिर से हमको करना पड़ेगा, रिमाइंडर is not equal to 0, is not equal to 0, इसका मतलब फिर से हमको करना पड़ेगा, अब किस किस को करना पड़ेगा, apply EDA, Euclid's division, sorry, Euclid's division algorithm, 2, अब किस किस को करना पड़ेगा, 33 and 27, अब 33 से मुझे 27 को डिवाइड करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, ओके समझ आ रहा है ना आपको, गुड ओके अब मैं लिखूंगा यहां पे 33 इज इक्वल टू 33 से मैं 27 को करूंगा, सो 27 से मैं करूंगा 33 को डिवाइड, अब बोलो 27 ones are 27, 2 are वो ज्यादा होगा, हम करेंगे 1 are, दैट विल बिकम 27, अब 37 आप भी बोलो 33 में 27 जाएंगे तो वो बचेगा 33 में से जाएगा 27, 33 में से जाएगा 27 तो वहां पे बचेगा 6, तो फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 33 is equal to 27 into 1 plus 6, फिर से रिमाइंडर is not equal to 0, रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया, तो फिर से आपको करना पड़ेगा अप्लाई EDA, या बड़ा देखोगे EDA to किस किस को करना पड़ेगा 27 and 6, अब 27 और 6 को करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा 27 is equal to, तो यहां पे मैं लिखूंगा यहां पे, तो क्या लिखूंगा डियर फ्रेंड्स, मैं 27 को लिखूंगा यहां पे, ओके किससे करना है इसको 6 से करना है डियर फ्रेंड्स, 6 से 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30, 6 fours are 24, 6 fours are 24, 27 में से 4 गए तो बचेगा 3 डियर फ्रेंड्स, बचेगा 3, तो फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, फिर से करना है, तो ये बनेगा 6 into 4 plus 3, फिर से लिखना है नीचे remainder is not equal to 0, remainder फिर से 0 नहीं आया, तो फिर से आपको करना पड़ेगा apply Euclid's division algorithm 2, किस किस को लगाना पड़ेगा EDA आपको 6 and 3 को, तो आप देखोगे नीचे 6 is equal to 6, किसके बराबर आएगा वो आपको देखना पड़ेगा, अब 3 से 6 को करना है वो मैं करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, है यहाँ पे मैं करता हूँ 3 को 6 से, अब मैं यहाँ पे करता हूँ 3 ones are 3, 3 twos are, that will become 6, yes 3 में से 6 में से 6 गए तो 0, अब ये remainder 0 आया, मार किस पे आया 3 पे आया, इसका मतलब 3 आंसर है, तो 6 में लिखूंगा 3 into 2 plus 0, remainder कितना है dear friends, remainder is equal to 0, तो इसका मतलब therefore HCF of, किस किस का HCF हमको निकालना था, किस किस का HCF हमको निकालना था, HCF of 867 and 225 is, इसका HCF क्या निकला dear friends, जिससे लास्ट में आंसर आया वो है 3, यहां पे आप देख सकते हो यहां पे हमको लास्ट में आंसर आया वो है यस 3, मुझे उम्मीद है अब आपको ये सारे क्वेश्चंस, इसमें आपको एग्जाम में 5 नंबर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से कांसेप्ट समझ आया होगा, तब तक आपको करना पड़ेगा जब तक लास्ट में 0 ना आए, और जो डिवाइजर है जिससे लास्ट में 0 आता है वही आंसर होता है डियर फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे जो इसके बाकी क्वेश्चंस है, ये ईडीएल मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, अगर आपको फिर से समझ नहीं आया तो आप मेरे WhatsApp ग्रुप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे डाउट पूछ सकते हो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
And if you like my videos, please do subscribe, share my videos, like my videos with your friends. Thank you. Have a wonderful day ahead. And may Allah grant you success ahead. Thank you so much.